ओके गाइस, सो अभी हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ये कीवर्ड जो है जावा में, सी प्लस प्लस में फंक्शन यूज होता है, जावा में मेथड कीवर्ड यूज होता है, बस इतना याद रखना है। ओके, सो ये हो गया आपका स्टैटिक फंक्शन। अब स्टैटिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल फंक्शन के जैसे स्टैटिक फंक्शन भी क्लास का ही मेम्बर होता है, ओके, क्लास का मेम्बर होता है, ओके, एंड हाँ, पहला देखते हैं कि स्टैटिक फंक्शन बिलोंग टू क्लास, ओके, नॉट टू ऑब्जेक्ट, अगेन नॉट टू ऑब्जेक्ट। इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे देखो, हमने ये प्रोग्राम में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, बट यूजिंग ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते जो क्लास का मेंबर है। बट एक ऐसा फंक्शन है, हम उसको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, और वो फंक्शन होता है स्टैटिक फंक्शन। ओके, तो स्टैटिक फंक्शन हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के वो वहाँ पे हम कॉल करेंगे। ओके, दूसरा है स्टैटिक, टू कॉल द स्टैटिक फंक्शन नो नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स कॉल बाय इट्स क्लास नेम, क्लास के नाम से वो डायरेक्टली कॉल होगा। मतलब आपको उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा आप डायरेक्टली क्लास नेम का यूज़ करो और आपका वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इनसाइड स्टैटिक फंक्शन, इसके अंदर हम कौन से वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड स्टैटिक फंक्शन वी कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, ओके, स्टैटिक वेरिएबल ही हम उसमें एक्सेस कर पाएंगे। सो वन बाय वन प्रॉपर्टी समझते हैं कि स्टैटिक का जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्लास से बिलोंग करता है, नॉट टू ऑब्जेक्ट। दूसरी मेन बात होती है कि उसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, हम उसको डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल करेंगे। और मेन थिंग कि इसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी देखो, वहाँ पे अभी एक क्लास है, सपोज इसमें मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, ओके, ये हो गया स्टैटिक फंक्शन। अब हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमने अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिया हुआ है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बट अभी ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हम उसको कॉल करेंगे sample.display, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, कॉमन, एक ही कॉपी बनेंगी उसकी भी एक ही कॉपी बनेंगी सभी ऑब्जेक्ट के लिए। एक ने कॉल किया तो वो भी वही कोड कॉल होगा, दूसरे ने भी किया तो भी वही कोड कॉल होगा। नाउ इसमें एक एरर ज़रूर आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या एरर, मैं आपको बताता हूँ। सी दिस, वाई को एरर नहीं दिया उसने, एक्स को एरर दिया, क्यों रे ऐसा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि एक्स कौन सा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक है, एंड कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंस्टेंट, और मेथड कौन सी है? स्टैटिक है। तो जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि यहाँ पे इनसाइड स्टैटिक ओनली वी कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, ओके, तो ये उससे प्रूव हो रहा है। तो ये अगर मैं कमेंट कर दूँ तो बराबर सिर्फ y की वैल्यू प्रिंट होगी, अभी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। सी दिस, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नाउ y इज इक्वल टू 60, बिकॉज y इज अ स्टैटिक मेंबर, सो y कैन बी एक्सेस इन अ स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फंक्शन, बट x इज नॉट अ स्टैटिक मेंबर, दैट्स why स्टैटिक मेंबर नॉट एक्सेस इनसाइड अ स्टैटिक फंक्शन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, वो सिर्फ स्टैटिक फंक्शन में एक्सेस होगा। मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर ओनली एंड ओनली आप स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर पाओगे, एक्स को वहाँ पर एक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टैटिक फंक्शन बिलोंग टू क्लास, वेयर एज नॉन स्टैटिक मेंबर बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्लियर एंड क्लियर कि स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक कौन किसको बिलोंग करता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मतलब नॉर्मल है,
फंक्शन हो कि वेरिएबल हो, कुछ भी हो, बिलोंग टू क्लास एंड दीज आर बिलोंग टू ऑब्जेक्ट. ओके, दीज आर बिलोंग टू क्लास एंड दीज आर बिलोंग टू ऑब्जेक्ट. नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो कि नॉन स्टैटिक फंक्शन हो, उसको एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा. और अगर स्टैटिक वेरिएबल है या फिर स्टैटिक फंक्शन है तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके क्लास का नाम आपको यूज करना है. सो लुक एट द एग्जांपल, यहाँ पे ये है आपका स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड, और ये है आपका स्टैटिक फंक्शन. ओके, स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक मेथड लाइक दिस. ओके,